सुल्तान महमूद गजनवी का एक महबूब मशीर था अय्याज, और बादशाह उससे बहुत सारा प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था। बाकी जो वजीर थे, मशीर थे, आयान सल्तनत थे, वो हसद करते थे कि इसमें कौन सी खूबी देख ली बादशाह ने कि इससे ख़ास तौर पे प्यार करता है। तो गाहे गाहे उनका हसद उनकी बातों से, उनके अमल से जाहिर होता रहता और बादशाह उसका मुलाहजा करता। और कभी कभी जो अय्याज है उसकी खूबियाँ और उसके जो कमालात हैं उसको अय्यां करता ताकि उनको पता चल जाए कि ये वो ख़ास वस्फ़ है इसके अंदर जिसकी वजह से मैं इसे ख़ास मोहब्बत का मुकाम देता हूँ। एक दिन बादशाह ने भरे दरबार में अपनी मुट्ठी में मोती लिए, कीमती मोती तालाब में फेंक दिए, और जितने भी वजीर थे सबको बारी बारी कहा कि इन मोतियों को निकाल के लाओ और देखो कि तुम्हारा लिबास नहीं भीगना चाहिए, तुम्हारे बदन पर पानी तक नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा कि तालाब की तह से मोती निकाल के लाएं और कपड़े भी भीगे ना हों, गीले ना हों, और बदन भी गीला ना हो और बदन भीगे भी ना, तो ये कैसे हो सकता है। फिर दूसरे कहा, उसने भी माजरत की कि ये कैसे हो सकता है, शर्त ही आपने ऐसे रख ली कि मोती तह से निकाल के लाने और बदन भी भीगने ना पाए, लिबास भी गीला ना हो, तो ये कैसे हो सकता है। तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, सबको कहा, सब ने ये कहा कि ये मुमकिन नहीं है। अय्याज को बुलाया, कहा ये मोती निकाल के लाओ और सुनो, तुम्हारा बदन भी नहीं भीगना चाहिए, तुम्हारा लिबास भी गीला नहीं होना चाहिए। उसने फौरन छलांग लगाई, मोती निकाले, बादशाह के सामने पेश कर दिए। बदन नुचड़ रहा है और लिबास से पानी के कतरे टपक रहे हैं। बादशाह ने बड़े गुस्से से कहा, अय्याज मैंने कहा था मोती निकालो और बदन भी गीला नहीं होना चाहिए, कपड़े भी नहीं भीगने चाहिए, और तुम्हारा लिबास भी भीग गया, तुम्हारा बदन भी जो है वो पानी से तर बतर हो गया। तो अय्याज ने कहा, बादशाह सलामत, आपने दो हुक्म दिए थे, एक के मोती निकाल के लाना है, दूसरा हुक्म ये था कि कपड़े नहीं भीगने चाहिए, मैं मोती ला के पेश कर दिए हैं, बाकी जो कपड़े और बदन भीग गया है इसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। कहा, ये खूबी है इसके अंदर, तो इंसान को नेकी करने का हुक्म दिया गया और नफ्स रखा गया अंदर, ख्वाहिशात रखी गई, आरज़ूएं रखी गई, तो नफ्स लवामा वो है कि जो नेकी के मोती तो निकाल लेता है और अगर इस दौरान उससे कोई बदी हो जाती है तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, मालिक जो गुनाह हो गया इसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अल्लाह कहता है, मुझे इस नफ्स लवामा पे प्यार आता है जो गुनाह करने के बाद मेरे हुजूर शर्मिंदगी का इजहार करता है। वो कहते हैं, कोई बंदा सुबह फजर के वक्त उठने लगा ना, तो कभी भी उसकी नमाज कजा नहीं हुई थी, शैतान ने आके उसके ऊपर थपकियां देनी शुरू कर दी और उसको सुला दिया, हत्ता कि नमाज का वक्त गुजर गया। उधर सूरज तुलू हो गया तो शैतान का काम मुकम्मल हो गया, वो उठा तो देखा सूरज चढ़ गया है, तो उसने जल्दी जल्दी वजू किया, मुसल्ला बिछाया, कजा नमाज पढ़ी और बार बार रोए और अल्लाह से माफ़ी मांगे कि मेरे मालिक मेरी नमाज चली गई, मैंने जैसे भी कजा पढ़ ली तू कबूल कर ले। तो इस कदर उसने इल्हाओ जारी की, इस कदर दर्द से रोया उस नमाज के कजा होने पर कि अल्लाह को उस बंदे पे इतना रहम आया, कहा कि इसके नामा अमाल के अंदर कई नमाजें लिख दो। इसका ये दर्द नमाज के छूटने पर, इसकी ये कैफियत। तो अगला दिन हुआ तो अभी अजान ही हुई थी कि शैतान आ गया और उसको कहने लगा, जल्दी जल्दी उठो नमाज पढ़ ले। तो बात यह है कि जो गुनाह करने के बाद मलामत पैदा होती है वो मलामत अल्लाह को पसंद है। नेकी करने के बाद अगर उजब पैदा हो जाए, तकब्बुर पैदा हो जाए, रिया पैदा हो जाए, तो उस नेकी से वो गुनाह अच्छा हुआ कि जिसके बाद मलामत पैदा हो जाए, जिसके बाद शर्मिंदगी पैदा हो जाए और इंसान तौबा की तरफ चला जाए और अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाए।